A very good evening to all of you. So today we are going to begin with a new series जिसमें हम current affairs discuss करने वाले हैं, ठीक है? और हम current affairs discuss करेंगे next year के लिए, 2020 के हमारे attempt के लिए prelims point of व्यू से. तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमको करंट अफेयर्स जो शुरू करना होता है अपना, वो कहाँ से कहाँ तक कवर करना होता है, पहले थोड़ा सा ये बता देती हूँ आपको. 2020 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मिनिमम टू मिनिमम आपको जून से इस साल, क्योंकि पेपर इस साल 2 जून को था, तो उस हिसाब से अगर लगाएं तो जून 2019 से लेकर के अभी जो हमारा प्रीलिम्स आने वाला है, अगर प्रीलिम्स के लिए आपको करंट अफेयर्स कवर करनी है. हालांकि देखिए, मेरा आपको ये रहेगा आपको रिकमेंडेशन कि आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे करंट अफेयर्स को. ट्राई टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स ऑन एन ईयरली बेसिस इंटीग्रेटेड मैनर में. जब भी मैं इंटीग्रेटेड मैनर की बात करती हूँ उसका क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड मैनर का मतलब है कि आप जब भी इसके लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप प्री एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से कवर करें. देखिए, प्री के लिए आज के टाइम पे क्वेश्चन ही ऐसे पूछे जा रहे हैं कि सिर्फ फैक्चुअल से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा उसका एनालिटिकल आइडिया भी होना चाहिए. और ये एनालिटिकल अगर आप डेप्थ में करेंगे तो ये आपका मेंस के लिए भी तैयार हो जाता है. तो मतलब आज प्री और मेंस साथ में प्रिपेयर करोगे तभी आपका प्रीलिम्स भी अच्छा होगा और इसकी वजह से आपका मेंस भी अच्छा होगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं. तो जो भी बच्चे सिर्फ प्री ओरिएंटेशन के बेसिस पे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके जाते हैं, ये आप अपनी स्ट्रैटेजी बदल लीजिए, ठीक है? तो दिस लेसन विल बी टेकन बाय मी. माय नेम इज़ आशना सिसोदिया. आई एम अ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन फैकल्टी. मैं अनअकैडमी प्लस पे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाती हूँ. अभी तक पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के मैंने 8 बैचेस पढ़ाए हैं. 8th बैच अभी मेरा चल रहा है, 7th बैच एंड 8th बैच चल रहा है, ठीक है? और 8th बैच अभी मेरा रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है. आप लोग चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं. एनरोल करने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस पे एनरोल करना पड़ेगा. और अनअकैडमी प्लस पे जब भी आप एनरोल करेंगे तो लेट मी शो यू, वेट अ मिनट. जब भी आप मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर एक आपको ऑप्शन दिखेगा प्लस का. प्लस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में एनरोलमेंट के लिए पूछेगा ये आपको, ठीक है? तो वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं. दिस इज़ माई प्रोफाइल, ठीक है? आई एम अ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन फैकल्टी. प्रीलिम्स में मैंने 2017 का प्रीलिम्स दिया था. आई स्कोर्ड 125 मार्क्स इन दैट. एसए के पेपर में मैंने 140 मार्क्स स्कोर किए थे. जनरल स्टडीज़ पेपर में इतने मार्क्स स्कोर किए गए. तो यूपीएससी 2017 की ये बात हो रही है, ठीक है? आप पॉलिटिकल साइंस की बात में कर रही थी तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं. और जब भी आप एनरोल करें तो 10% डिस्काउंट के लिए आप ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ आशना सिसोदिया फॉर द 10% डिस्काउंट. ये मेंशन करेंगे डायरेक्टली आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी प्लस फॉर योर मेंस 2020 एज वेल एज 2021 प्रिपरेशन फॉर योर पॉलिटिकल साइंस. इसके अलावा रिसेंटली मैंने एक नया कोर्स शुरू किया है इंटरनेशनल रिलेशन का. इसके अलावा आप देखेंगे कि मैं अभी शुरू करने वाली हूँ नेक्स्ट मंथ करंट अफेयर्स, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ करंट अफेयर्स का ये जो कोर्स मैं अभी आपको पढ़ाऊँगी, जिसमें जून मंथ में आपको पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पर यूट्यूब पे इस सीरीज़ में. ये यूट्यूब में जो पढ़ाया जाएगा वो उसका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा. मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम डेप्थ में हम एडिटोरियल्स भी इसमें कवर करने वाले हैं. और ये हमारा कवर होगा नेक्स्ट मंथ से, मतलब जनवरी से. न्यू ईयर से स्टार्ट होगा हमारा, जनवरी 2020 से. आपको कहीं और किसी और सोर्स से रेफर करने की ज़रूरत नहीं होगी. यू विल हैव टू जस्ट वेरी रिलीजियसली फॉलो दिस कोर्स. खैर, तो जब भी बच्चे प्रिपेयर करते हैं करंट अफेयर्स के लिए, उनके दिमाग में ये रहता है कि मैम करंट अफेयर्स तो बहुत ही डायनेमिक होता है,
हमको प्रिपेयर कैसे करना है करंट अफेयर्स। तो थोड़ा सा शुरुआत की आज की क्लास में मैं ये जो डायनामिज्म के ऊपर है, आई विल वांट यू टू अंडरस्टैंड कि करंट अफेयर्स की क्या इम्पोर्टेंस है आपकी, एंड मैं आपको रियलिटी बताऊंगी रिगार्डिंग दिस कि अगर आप फॉलो करते हैं करंट अफेयर्स, अगर आप फॉलो करते हैं ठीक है अपना इंटीग्रेटेड मैनर में, तो कैसे फ़ायदा मिलेगा आपकी सीरियस प्रिपरेशन के लिए। जो लोग सीरियसली प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं वो लोग इस कैटेगरी में आएंगे, जो लोग मेंस ओरिएंटेशन से एनालिटिकल वे में करंट अफेयर्स तैयार नहीं करते हैं वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं ठीक है। तो कैसे करंट अफेयर्स आसान रहता है कवर करना, देखिए एक तो होता है डेली बेसिस पे। मेरा मानना है आप लोग डेली बेसिस पे जो द हिंदू का एनालिसिस आता है, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, वो आर्टिकल्स आप डेली बेसिस में पढ़िए ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। दूसरा फिर मेरा मानना है कि एक बार आर्टिकल की पढ़ लो या फिर उसकी समरी देख सकते हो आप, जैसे अनअकैडमी पे उसकी समरी आती है, समरी आप देखिए, हार्डली इसकी 30-40 मिनट्स की समरी होगी, आपका आसानी से बैकग्राउंड इसमें आपको मिल जाएगा, इसमें बैकग्राउंड डिटेल मिल जाती है कि इसके यू नो ये जो न्यूज़ में पूछा गया है क्या बैकग्राउंड है उसका, क्यों पूछा गया आपसे, ये आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरी चीज़ डेली बेसिस के बाद में, कुछ लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स यानी जो डायरेक्टली आपके पेपर में काम आते हैं, जिसके बेसिस पे आप यू नो यू आर एबल टू लाइक अटेम्प्ट द पेपर, चाहे फिर वो प्री हो चाहे फिर वो मेंस हो, ये वाली कैटेगरी आती है। तो इसमें जब मैंने अपना 2017 का प्रिपरेशन किया था तो मैंने डेली बेसिस के बजाय वीकली बेसिस पे ज़्यादा रिलाई किया था, क्योंकि मेरा मानना है कि आप बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम 2-4 घंटे उस एक टॉपिक को पढ़ लो ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे, और इससे पूरे एक हफ्ते के करंट अफेयर्स एक साथ आपके हो जाते हैं। तो मेरा आपको ये रहेगा एडवाइस कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक के सभी करंट अफेयर्स आप सैटरडे को शुरू कीजिए, सैटरडे को मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे कवर कर लीजिए, और या फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे कर लीजिए, एंड संडे को आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं बाकी सभी दिनों के। तो इस तरीके से आपको वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स कवर करने चाहिए, 2 दिन में 2-4 घंटे लगाओ एंड जस्ट फिनिश इट, कनेक्टिविटी बनी रहेगी आपकी और उसको रिवाइज करते रहिए। और जब हम एक मंथ को रिवाइज करते, देखिए मंथ में होते हैं 30 डेज, 30 डेज के हिसाब से बहुत बड़ा टास्क लगता है, लेकिन इसको अगर वीकली बेसिस पे डिवाइड किया जाए तो इतना बड़ा टास्क नहीं लगता। इसमें यही रहेगा आपके दिमाग में कि बस मुझे चार ही हफ्तों के तो करंट अफेयर्स इस मंथ को कवर करने के लिए करने हैं। तो हमारा कंपार्टमेंट जब 4 बन जाएंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी, वरना अगर डेज वाइज चलोगे तो 30 कंपार्टमेंट रहेंगे, समझ रहे हो। तो अच्छे से एकदम एनालाइज करके पढ़िए आप लोग ठीक है। तो इसीलिए जो सीरीज़ यहाँ पर चलाई गई है वो वीकली करंट अफेयर्स सीरीज़ चलाई गई है फॉर UPSC 2020 प्री के ओरिएंटेशन से, मैंने जून 2019 का पढ़ाऊंगी। दिस इज समथिंग अबाउट मी, नई सीरीज़ हमारी शुरू हो रही है तो उस हिसाब से लेट मी टेल यू, आई एम अ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन फैकल्टी, चंडीगढ़ से मैं बिलोंग करती हूँ, आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर्स, 2017 में मैंने मेंस दिया था, दीज आर द स्कोर्स दैट आई हैव गॉट इन 2015 अटेम्प्ट, ये मेरा स्कोर रहा है, एंड दीज आर द अदर यू नो कोर्सेज बेसिकली दोज आई हैव क्रिएटेड ऑन अनअकैडमी प्लस। सो दिस इज़ रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस, ये मेरी वेबसाइट, सॉरी नॉट वेबसाइट, दिस इज़ माई अनअकैडमी लिंक ठीक है, प्रोफाइल लिंक है जहाँ पर आप जा सकते हैं, एंड 10% डिस्काउंट के लिए देखिए जब भी एनरोल करें तो आप आशना सिसोदिया ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं जून 2019 के करंट अफेयर्स ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहली न्यूज़ पढ़ते हैं हम, ट्राइकोफाइटॉन रिब्रम। अब इस नाम को आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आप याद रख सकते हैं, रिसर्चर्स ने हम इस ये एक टाइप की फंगी है, पहले ये चीज फंगस है एक टाइप का, जस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस, फंगस है। इसमें क्या होता है, नाखून जो होते हैं ना आपके हाथों के नाखून होते हैं, आपके जो पैरों के नाखून होते हैं, इसमें फंगस लग जाती है एक टाइप की, ये बीमारी होती है, ऐसे इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है आपके नाखूनों पे, और इस इन्फेक्शन की वजह से ये पेनफुल होता है काफ़ी ठीक है। तो इससे बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है इसकी वजह से, और ये ज़्यादातर ये जो बीमारी है, ये जो प्रॉब्लम पाई जाती है, ये कोस्टल रीजन में पाई जाती है।
कोस्टल रीजन, देखिए इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसका आपको आइडिया होना चाहिए, दैट इज 7,515.6 किलोमीटर. ओके आई थिंक इट इज 0.6 70,516.6 किलोमीटर कोस्ट लाइन है हमारी. चाइना की कितनी है? 15,000 किलोमीटर कोस्ट लाइन है. तो कोस्ट लाइन पे यानी यहाँ पर है हमारा बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे हमारा अरेबियन सी. तो यहाँ पर जो लोग कोस्ट लाइन के पास में इधर काम करते हैं, ठीक है, यहाँ के जो लोग होते हैं इनके नाखूनों में इस टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है. ये वेट वर्क जोन्स में काम करते हैं, गीले इनके रहते हैं, इस वजह से इन्फेक्शन हो जाता है यहाँ पर. इस इन्फेक्शन को हम ऑनिकोमाइकोसिस भी बोलते हैं. एंड इसमें क्या होता है, ये नेल डिजीज़ में आता है ये बेसिकली. तो इसकी वजह से ब्रिटलनेस हो जाती है, नाखून डिसकलर हो जाते हैं, नाखूनों की डिसफिगरमेंट हो जाती है, ठीक है, एकदम टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, इस टाइप के हो जाते हैं. सो ये किस, ये बैकग्राउंड तो ये है, ठीक है. तो इस डिजीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो लेकिन क्यों हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ न्यूज़ में थी? अभी रिसेंटली हुआ क्या है, जो रिसर्चर्स थे इन्होंने एक नया तरीका निकाला है, एक नेल, जैसे नेल पॉलिश होती है ना जो फीमेल्स लगाती हैं, तो बिल्कुल वही जो नेल पॉलिश होती है ऐसी ही एक नेल पॉलिश निकाली है, ठीक है, एक तरीके के ट्रांसल्यूसेंट है, ताकि अगर फीमेल्स को हो रहा है या फिर अगर मान लीजिए मेल्स को भी हो रहा है तो वो ट्रांसल्यूसेंट होती है, वो भी अपने नाखूनों पे इसको लगा सकते हैं. अगर वो लगाएंगे तो ये इससे ना एक लेयर क्रिएट हो जाती है. ये जो नेल पॉलिश टाइप की नेल लेकर जो बनाया गया है, दिस इज़ दी एंटी फंगल बाई लेयर नेल लेकर. देखिए जो फीमेल्स लगाती हैं नेल पॉलिश, वो एक होती है कलर वाली, ठीक है, कलर के ऊपर शाइन के लिए ट्रांसलूसेंट भी लगाया जाता है. वो एक तरीके से कलर वाली जो नेल पॉलिश होती है उसके ऊपर एक लेयर कोटिंग कर देता है, और उससे वो जो नीचे की जो लेयर होती है वो ख़राब नहीं होती है जल्दी, तो जल्दी नेल पॉलिश उतरती नहीं है, ठीक है. तो बिल्कुल उसी का मतलब वो लेकर के इन्होंने प्रैक्टिकल जो हम देखते हैं उसी का लेकर के फर्दर इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ इस्टेब्लिश की है, ये नेल पॉलिश यहाँ पर डाली है, ठीक है. तो इस नेल पॉलिश में होता क्या है अंडर दिस, ये बेसिकली फंगस जो हमारे नाखूनों पे लगा होता है एंटी फंगस है, एंटी फंगल है ये बेसिकली. इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ ड्रग, इसमें ड्रग डाला गया है, दवाई डाली गई है, ठीक है, इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए. इस बीमारी का नाम है ऑनिकोमाइकोसिस, ठीक है, एंड इसमें ड्रग इन्फ्यूज़ किया जाता है, और ये ना बहुत ही जल्दी ड्राई भी हो जाता है. जैसे इसमें डाल दिया, अब आप इस पर अपने नाखूनों पे लगा लोगे, वो लोग जिनको डिजीज़ होता है तो इससे ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, नेल पॉलिश की तरह आप अप्लाई कर सकते हो. फ़ायदा क्या होता है इससे, ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प होता है. देखिए इससे पहले जो इस बीमारी का ट्रीटमेंट होता था उसमें ओरल मेडिकेशन दिया जाता था, दवाई दी जाती थी खाने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ ऑइंटमेंट भी दिया जाता था जो इस पर दवाइयाँ वगैरह लगानी होती थी. ये ओरल मेडिकेशन मतलब जो खाने की दवाई दी जाती थी और ऑइंटमेंट लगाने का दिया जाता था, ये काफ़ी महंगी आती थी, बहुत एक्सपेंसिव थी, और दूसरा इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत थे. मेडिसिन के आपको पता है मॉडर्न मेडिसिन के वैसे ही साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, तो वही हिसाब से हम देखें कि यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स भी थे. तो इस वजह से ये एक नेल लेकर BNL आप बोल सकते हैं, बाई लेयर नेल लेकर एंटी फंगल BNL ये रिसर्चर्स ने अभी डेवलप की है. तो ये आपका साइंस एंड टेक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इट्स अ फंगस डिजीज़ का नाम याद रखिए कि नेल से रिलेटेड जो डिजीज़ है उसमें ये चीज़ अभी आई है रिसेंटली. अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जून के मंथ में, जून 2019 में ही बिहार ने, देखिए गर्मी बहुत चल रही थी, ठीक है, आपको पता है जून में, तो बिहार ने ट्री फेलिंग को बैन कर दिया, मतलब पेड़ काटने बंद कर दिए. और गवर्नमेंट ने रिसेंटली जब ये बैन किया, रीज़न इसका क्या था कि पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ रहा था, हीट वेव बहुत बढ़ रही थी, जिसकी गवर्नमेंट स्पेशली जो पेड़ होते हैं कैसे कूलिंग इफेक्ट देते हैं, इनका बहुत यू नो टेम्परेचर मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प होती है. सो उस कॉन्टेक्स्ट से ये पूरा ऑर्डर दिया गया, एंड ये जो ऑर्डर पास किया गया था ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर में पास किया गया. एंड इसके चलते जो प्राइवेट लैंड पे ट्री होंगे, ठीक है, जो प्राइवेट लैंड पे ट्री होंगे, इन ट्रीज़ को
यू नो हालांकि काटा जा सकता है क्योंकि प्राइवेट लैंड पे कोई ट्री प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है बिहार में, ठीक है। सो क्योंकि हम ट्री प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वी शुड हैव सम आइडिया अबाउट टी प्रोटेक्ट दिस ट्री प्रोटेक्शन एक्ट। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा आइडिया ये होना चाहिए कि एक्ट कब लाया गया था, यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट इट। तो थोड़ा सा हम इस बारे में पढ़ लेते हैं, इस एक्ट के बारे में, व्हेन दिस वाज ब्रॉट। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, दिस एक्ट वाज ब्रॉट इन 1980 में लाया गया था, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। अब इसके चलते आगे इसको अमेंडमेंट भी इसमें किया जाएगा, क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसमें वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो एक्ट आया था हमारी कंट्री में, ये एक्ट वैसे 1980 का एक्ट है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन जो सबसे पहला फॉरेस्ट एक्ट आया था वो आया था 1927 में। एंड ये क्यों आया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एकदम रैपिडली डिफॉरेस्टेशन हो रहा था हमारी कंट्री में, रैपिड डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, दैट्स वाई इसको लाया गया। एंड इसके चलते यू नो रैपिड डिफॉरेस्टेशन के चलते एनवायरमेंट जो था वो डिग्रेड हो रहा था, तब जाकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी आगे जाकर के एक्ट लेकर के आएगी। तो ये तो था पहला फॉरेस्ट एक्ट, कंजर्वेशन का जो एक्ट था वो 1980 में लाया गया। और क्यों लाया गया था, ताकि एक ऐसा लॉ कंसोलिडेट किया जा सके फॉरेस्ट से रिलेटेड, जिसके चलते जितने भी फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, जितनी भी ड्यूटीज़ उस पर लगती हैं टिम्बर पे और दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, ये लगाई गई जिसके, और यहाँ से जो पैसा आएगा उसको कंजर्वेशन में यूज़ किया जाएगा। तो जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे इसमें, जो उनके स्टाफ थे, वो फॉरेस्ट एक्ट को एडमिनिस्टर करती हैं। इस प्रोविज़न, इसमें एक प्रोविज़न है एक्ट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको प्रायर अप्रूवल लेनी होती है अगर आपको मान लीजिए नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए ये यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी भी बिठाई गई थी इस एक्ट के अंडर में, जो कि सेंटर को एडवाइस करती है अप्रूवल्स पे, कोई भी अगर अप्रूवल देना होता है कि नहीं देना होता, ठीक है। तो इस एक्ट में बेसिकली चार कैटेगरीज आती हैं, देर आर फोर कैटेगरीज इन दिस एक्ट। ये चार कैटेगरीज कौन सी हैं, सबसे पहला आता है इसमें रिजर्व्ड फॉरेस्ट, दूसरा आता है विलेज फॉरेस्ट्स, फिर आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, देन प्राइवेट फॉरेस्ट्स, ये आते हैं, ठीक है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड प्राइवेट फॉरेस्ट। एक एक करके थोड़ा सा बताती हूँ आपको रिजर्व्ड फॉरेस्ट कौन से होते हैं। देखिए एक स्टेट डिक्लेयर कर सकता है कैसे फॉरेस्ट लैंड को, मान लीजिए कोई वेस्ट लैंड है उसको रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकता है और उसको सेल भी कर सकता है, उसमें जितनी भी प्रोड्यूस होती है उस फॉरेस्ट में उसको सेल भी कर सकता है स्टेट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट ऐसा होता है। यहाँ पर कोई भी अनऑथराइज्ड मतलब अगर सरकार ने यहाँ पे ऑथराइज नहीं किया है तो कोई यहाँ पर लकड़ी काट नहीं सकता, यहाँ पे अपनी गाय भैंस या शीप जो होती हैं वो चरा नहीं सकता, हंट नहीं कर सकता, ऐसे अगर आप करते हो तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। जेल में भी आपको फाइन भी लगाया जाएगा और आपको इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है इसमें, तो ऐसा होता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। आगे आता है विलेज फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो विलेज को, एक पर्टिकुलर विलेज को असाइन किया जाता है, एक विलेज कम्युनिटी को, उसको बोलते हैं विलेज फॉरेस्ट। फिर आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर होती है इनकी, जो प्रोटेक्टेड गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं स्टेट सरकार जो होती है एक उनके पास में पावर होती है कि वो ऐसे किसी फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डेजिग्नेट कर सकते हैं और वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे होंगे उनका
यू नो उनको ना काटा जाए, इसको प्रोहिबिट भी कर सकते हैं. और साथ ही साथ फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो रहेगा उसको यू नो बेसिकली उससे रिलेटेड जितना भी रेवेन्यू या जनरेट होगा या जो भी होगा, स्टेट सरकार जो होती है वो उस पर नज़र रखती है. और यहाँ पर जो प्रिजर्वेशन किया जाता है ऐसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, उसको रूल्स के थ्रू, लाइसेंस के थ्रू, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सब कुछ रहता है इसमें, ठीक है. तो प्राइवेट फॉरेस्ट तो आपको पता ही है कि प्राइवेट एंटिटी का अपना जो ज़मीन है उस पर प्राइवेट फॉरेस्ट रहेगा. तो दिस इज़ अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए था. पूछा जा सकता है, चार टाइप की कैटेगरीज होती हैं इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, इस चीज़ पे ये काम करता है. सबसे पहला हमारे इंडिया में फॉरेस्ट एक्ट आया था 1927 में, लेकिन जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात हो रही है ये 1980 में आया था. अब आगे हम डिस्कस करते हैं TIP रिपोर्ट के बारे में. अभी हम यहाँ पर TIP रिपोर्ट के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट अभी जून 2019 में ये रिपोर्ट लाई गई थी. इस रिपोर्ट में देखते हैं क्या क्या चीज़ बोली गई हैं. देखिए, USA की जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने 2019 में ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट रिलीज़ की. इस रिपोर्ट को कैटेगराइज किया गया है तीन ग्रुप्स में. इसमें तीन ग्रुप्स हैं, ठीक है. ये जो रिपोर्ट थी ये USA ने इसका स्टार्ट किया था पब्लिश करना लेजिस्लेशन के थ्रू सन 2000 से, ठीक है. और इस रिपोर्ट में कैटेगराइजेशन जो किया जाता है वो इसके बेसिस पे किया जाता है कि जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स आपको दिए गए थे फॉलो करने के लिए, वो आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उस हिसाब से ये रखे जाते हैं, ठीक है. तो इसमें कंट्रीज़ को देर आर थ्री स्केल्स, ठीक है. एक होता है टायर वन, एक होता है टायर टू, और फिर होता है टायर थ्री कंट्रीज. तो इसमें देखिए कैटेगराइजेशन इस बेस पे किया जाता है कि आपकी जो सरकार है, आपके कंट्री की जो सरकार है, वो आपके देश की जो सरकार है वो कितने एफर्ट्स कर रही है अपने देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कम करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए बेसिकली, कि यू नो मतलब ह्यूमन तस्करी ना की जा सके, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकी जा सके. तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया अभी भी दूसरे टायर में है, यहाँ पर है, मिडल में अभी भी इंडिया आता है, ठीक है. अगर 1-3 ट्रैफिकिंग स्केल है तो इसमें इंडिया टायर टू कंट्रीज़ में आता है. टायर टू कंट्रीज़ का मतलब है ऐसी कंट्री इसमें आती हैं जिसमें जो सरकार है यू नो इन्होंने पूरी तरीके से मिनिमम स्टैंडर्ड्स नहीं, नेशनल नेचर ऑफ ट्रैफिकिंग के अकॉर्डिंग यू नो हाईलाइट ये किया गया है कि 77% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें विक्टिम्स को उसकी खुद की कंट्री में ही, जहाँ से वो विक्टिम बिलोंग करती है, ठीक है, वहीं पर ही ट्रैफिक किया जाता है. मतलब एक देश से दूसरे देश में बहुत कम ऐसे विक्टिम्स होते हैं जिनको ट्रैफिक किया जाता है, चाहे अब विक्टिम में कोई यू नो औरत हो या बच्चे हो, यू नो इस तरीके से बच्चों में मेल्स फीमेल दोनों हो सकते हैं जो ट्रैफिक किए जाते हैं. तो हम देखते हैं कि दिस हैपन्स, ठीक है. इसमें 77% ऐसे हैं जो कंट्री के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैफिक होते हैं, ठीक है, इनको बेचा जाता है, खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है. और इसमें भी ये चीज़ बताई गई है इस रिपोर्ट में कि जो सेक्स यू नो ट्रैफिकिंग होती है स्पेशली इस सेक्स ट्रैफिकिंग की जो विक्टिम्स होती हैं इनको ज़्यादातर ट्रैफिक किया जाता है बॉर्डर के पार, मतलब दूसरे कंट्रीज में. जबकि अगर बंधुआ मजदूरी के लिए जो भी लोग मतलब बेचे खरीदे जाते हैं उनको उनकी कंट्री में ही ज़्यादातर ट्रैफिक किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे. ये जो डेटा की मैं आपको बता रही हूँ बात, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है जो यहाँ पर कोट किया गया है इस रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट USA के स्टेट डिपार्टमेंट ने रिसेंटली निकाली है. एंड इसमें रिकमेंडेशंस ये दी गई हैं इसमें इंडिया के लिए क्या हो सकता है रिकमेंडेशन, कि सबसे पहले तो देखिए जो हमारे सेक्शन 370 है, 370 का जो सेक्शन है,
इसमें जो ट्रैफिकिंग के डेफिनेशन है उसको अमेंड की जाने की ज़रूरत है। हमारा जो आईपीसी का कोड है उसमें सेक्शन 370 है, दफा 370, उसके अंडर में ये भी इंक्लूड करना चाहिए कि मान लीजिए जो फोर्स लेबर्ड ट्रैफिकिंग होगी वो भी इसमें डाली जाए ट्रैफिकिंग में, और मान लीजिए फोर्स से आप फ्रॉड से या फिर धोखे से आप किसी भी मान लीजिए आप ट्रैफिक कर रहे हो, बच्चों को ट्रैफिक कर रहे हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये ट्रैफिकिंग में आएगा, लाइक फ्रॉड करके और ये सब चीज़ करके, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव अ चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग कि आपने मतलब फोर्स भी किया हो, इट इंश्योर्स दिस थिंग। सो ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश करने की बात करता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और इनको फंडिंग दी जाए और साथ ही साथ इसमें क्लियर मैंडेट रखी जाए। सो व्हाट वी सी इज दैट इसमें क्या अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, जो रिकमेंडेशन इंडिया को दी गई है, दैट इट इंडिया नीड्स टू अमेंड द डेफिनेशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन सेक्शन 370 ऑफ द पीनल कोड, दैट इंडिया हैज़ टू इंक्लूड फोर्स्ड लेबर ट्रैफिकिंग एंड इंडिया नीड्स टू इंश्योर दैट फोर्स फ्रॉड और कोअर्शन आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव अ चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफेंस। तो इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, इसको आप अपना ऐसे राइटिंग में यूटिलाइज कर सकते हो। एट द सेम टाइम आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो TIP रिपोर्ट दी गई थी इंडिया उसमें कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, तो इट इज़ टायर 2 कैटेगरी। ये पूछा जा सकता है कि क्या रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, कि कितना ग्रेव इशू है आज के टाइम पे ह्यूमन तस्करी में पूछा जा सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर पूछा जा सकता है कि ट्रैफिकिंग से कैसे वी शुड बी वर्किंग ऑन इट, कैसे हम इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इज फेसबुक्स लिब्रा। फेसबुक ने रिसेंटली अपनी जून 2019 में अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है, जैसे बिटकॉइन है ना, आपने बिटकॉइन सुना होगा, वैसे ही एक क्रिप्टो करेंसी फेसबुक ने भी लॉन्च की है जिसका नाम है लिब्रा। तो क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है, इस पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिब्रा किसने करी, फेसबुक ने करी, या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फेसबुक जो है ठीक है उसने कौन सी पर्टिकुलर जो आपकी क्रिप्टो करेंसी लेकर क्या है, बिटकॉइन है उसमें या लिब्रा है, या कौन सी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड। तो हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क्स, लेट्स कवर दैट। देखिए राजा, अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने ऐसे एक्ट्स पास किए हैं, इसमें ऐसे भी एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है उनकी बागडोर, तो उस चीज़ में यस वो एक्ट ऐसा पास कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट वी सी। ओके चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती हैं, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। ऐसा नहीं होता जैसे आपके पास में पैसा है, ठीक है, यू हैव मनी, तो वो तो आपके हाथ में है, तो वो तो आपकी करेंसी आपको हार्ड करेंसी होगी एक तरीके से, दैट इज़ अ हार्ड करेंसी। क्रिप्टो करेंसी पैसा ऐसा नहीं होता जिसको आप छू सकें, आपके हाथ में नहीं आ सकता, यू कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू हार्ड करेंसी। क्रिप्टो करेंसी मतलब एक वर्चुअल करेंसी होती है एक टाइप की, ठीक है, वर्चुअल करेंसी होती है जो आप खरीदते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं अपने डिजिटल वॉलेट में। जैसे अमेज़ॉन पे पे आपके कुछ पॉइंट्स पड़े होंगे, ठीक है, उस हिसाब से अमेज़ॉन आपका लेट्स से रिवॉर्ड्स होंगे, या उसको बोल सकते हैं कॉइन्स होते हैं आपके वहाँ पर पड़े हुए, तो वो आप उन सबको बाय कर सकते हो, उसको स्टोर कर सकते हो, वर्चुअल करेंसी की तरह काम करता है क्रिप्टो करेंसी। और इसको इस क्रिप्टो करेंसी को आप यूज़ कर सकते हो ट्रांजेक्शन्स पे के लिए, ठीक है, यू कैन यूज़ इट फॉर ट्रांजेक्शन्स एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय वन बैंक और अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पे इसका कोई कंट्रोल नहीं होता या बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होगा, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होगा। देखिए क्रिप्टो करेंसी जो होती है इसका डेटा पूरा इनक्रिप्टेड होता है,
क्योंकि डेटा इनक्रिप्टेड होता है, तो यहाँ पे हैकिंग के जो चांसेस होते हैं वो बहुत इम्पॉसिबल होते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है, तो क्योंकि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आपसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में भी पूछा जा सकता है, दैट व्हाट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इवन दिस कैन बी आस्क्ड व्हाट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो सच अ करेंसी इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी कॉल्ड ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन कैसे काम करती है? इट फंक्शंस लाइक एन ओपन लेजर, कि हर टाइम आप रियल टाइम पे ये अपडेट होती रहती है, ठीक है, और हर एक ट्रांजैक्शन इसमें प्रिजर्व्ड रहेगी, ठीक है, और उसको आप बदल नहीं सकते, उस ट्रांजैक्शन को आप वहाँ से हटा नहीं सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि डेटा इनक्रिप्टेड होता है। तो काफ़ी सिक्योर होती है, अनोनिमस होती है, लेकिन बहुत सिक्योर होती है। और हमारे जो बैंक्स हैं आजकल इंडिया में, ये क्रिप्टो करेंसी पे ही ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं ऐसे फ्रॉडुलेंट केसेस से बचाने के लिए। देन वी सी कि क्या जो ये करेंसी अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है लिब्रा, इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर क्रिप्टो करेंसीज। देखिए, जो वैल्यूज़ बाकी सभी क्रिप्टो करेंसी की होती हैं, जैसे बिटकॉइन की होगी, वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं रियल करेंसी के हिसाब से। जैसे एक टाइम था कि कितना हाई रेट चल रहा था इसका, 10 लाख 1 बिटकॉइन का कितना ज़्यादा चला गया था एक टाइम पे, आज के टाइम पे उतना नहीं है। आज के टाइम पे हम देखेंगे कि रादर देन एट सच अ पॉइंट वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है, फिर कभी बढ़ जाता है, फिर कभी कम हो जाता है, तो फ्लक्चुएट करता रहता है बिटकॉइन तो। लेकिन लिब्रा में ये प्लान किया गया है, फेसबुक ने ये प्लान किया है कि स्टेबल रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो इससे कॉन्फिडेंस रहेगा यूज़र्स का, ठीक है। तो लिब्रा जो है इसमें कुछ एसेट्स होंगे, उसके बेसिस पे बैक किया गया है इस न्यू क्रिप्टो करेंसी को, यानी इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होगी जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और ये जो एसेट्स होंगे सिक्योरिटीज़ या फियाट करेंसी के बेसिस पे हो सकती है, जैसे डॉलर या पाउंड में इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी स्टेबल इसको बनाने के लिए, ठीक है, स्टेबल बनता रहेगा कि फिर फ्लक्चुअल नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं जून 2019 में डीडी ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फ्री डिश टीवी सेट टॉप बॉक्स जम्मू एंड कश्मीर में। आपको पता होगा 5 अगस्त 2019 में हमको देखने को मिलता है कि इस दिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को ये इस पे जो आर्टिकल नंबर 370 था वो रिवोक किया गया। रिवोक करने के बाद में अब जम्मू एंड कश्मीर इज़ नो लॉन्गर अ स्टेट, इट्स अ यूटी नाउ। जम्मू एंड कश्मीर को डिवीज़न इसका अब हो गया है दो यूटीज़ में, एक तो है जम्मू एंड कश्मीर इटसेल्फ और दूसरी है लद्दाख। लद्दाख भी अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। तो अब हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये भी आपको याद रखना है। देर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज़। अब किस कॉन्टेक्स्ट में है ये? देखिए, कंट्री का जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है दूरदर्शन, डीडी बोलते हैं दूरदर्शन को, इन्होंने फ्री डिश सेटअप बॉक्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप। ये जो सेटअप बॉक्स है इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं इनको, ऑडियंस जो है इसमें 100 चैनल्स फ्री में देख पाएगी स्टेट में, एंड ये बिगेस्ट दूरदर्शन फ्री डिश जो है दैट इज़ द बिगेस्ट डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर इन द कंट्री। इसके कनेक्शन कितने हैं? 3.5 करोड़ कनेक्शन है इस डिश के, फ्री डिश के। आगे एक और चीज़ थी, ओडिशा पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने एक बहुत ही यूनिक टाइप का फ्लड हैजार्ड एटलस निकाला है, फ्लड हैजार्ड एटलस निकाला गया है। यानी अब पिछले कुछ सालों में जितने भी यहाँ पर ओडिशा में फ्लड्स आए हैं उसको मैपिंग करके सैटेलाइट इमेजरी से 2001 से लेकर के 2018 में जहाँ जहाँ फ्लड आए हैं उसकी पूरी मैपिंग की है, क्योंकि वो एरियाज़ पता करने के लिए जहाँ पर फ्लड बहुत ज़्यादा आता है, जहाँ पर आता है वहाँ पर फिर सरकार क्या करेगी, वहाँ पर मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा काम करेगी सरकार।
तो बेसिकली फ्लड हैजार्ड एटलस किसने निकाला है? ओडिशा ने. ये चीज़ याद रखनी है. डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको कि विच स्टेट हैज़ कम आउट विद अ यूनिक फ्लड हैजार्ड एटलस, तो दैट इज ओडिशा. और किस बेसिस पे निकाला है? जितने भी हिस्टोरिक फ्लड अभी तक हुए हैं जहाँ जहाँ पर, उसकी सैटेलाइट इमेजरी से कैप्चर करके एंड फिर उसके बाद में ये निकाला गया है. इससे स्टेट को हेल्प मिलेगी कि फ्यूचर में अगर कभी कोई फ्लड आता है तो कौन कौन से एरियाज़ में आएगा, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह से रिलेटेड काम अच्छे से रहेगा, अथॉरिटीज़ की बहुत हेल्प से रिलेटेड जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होंगी यहाँ पर, जहाँ पर भी फ्लड ज़्यादा आता है वहाँ पर अगर कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ली गई हैं तो वहाँ पर कंट्रोल वहाँ पर बनाया जाएगा. फिर उसके अलावा हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर भी फ्लड ज़्यादा आता है रिलीफ ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे रखे जाएंगे. प्लस यहाँ पर रिलीफ शेल्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे लोगों को. सो दिस इज़ व्हाट वी सी रिगार्डिंग फ्लड हैजार्ड एटलस. फिर आगे देखते हैं हम जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ऑफ इसरो, ये जो रिमोट सेंसिंग सेंटर है हैदराबाद में, इसने बेसिकली स्टडी की है फ्लड हैजार्ड जोनेशन की ओडिशा के लिए. एंड बैकग्राउंड में यही है, देखिए ओडिशा का बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो फ्लड में रहता है, वहाँ पे हर साल फ्लडिंग होती है बिकॉज काफ़ी रिवर्स यहाँ से पास करती हैं, जैसे महानदी हो गई, ब्रह्माणी रिवर हो गई, बैतरानी है, फिर उसके अलावा आपको सुबर्ण रेखा रिवर मिलेगी यहाँ पे, ऋषिकुलिया रिवर मिलेगी. तो आपको देखिए ओडिशा में ये सभी रिवर्स के नाम दिख रहे हैं, तो ये रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में फ़्लो करती हैं इन इन इस पर्टिकुलर, जैसे महानदी की, महानदी जो रिवर है उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, ये भी पूछा जा सकता है. देखिए यूपीएससी की एक हैबिट है ट्रिब्यूटरी पूछने की, पिछले कुछ सालों में ऐसा आता होता रहा है कि गंगा की ट्रिब्यूटरी या कावेरी की ट्रिब्यूटरी पूछ ली, या ब्रह्मपुत्र की, या नर्मदा तापी के ऊपर क्वेश्चन आ गया. सो एक नदियों पर या वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है. सो आपको ये याद रखना है, नाउ दैट फ्लड हैजार्ड एटलस की बात की गई है, न्यूज़पेपर में ये चीज़ आई है, तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि महानदी की ट्रिब्यूटरी पूछी जा सकती है, तो थोड़ा सा याद होना चाहिए आपको. बाकी कुछ और रिवर्स भी हैं यहाँ पे, जैसे वंशाधरा हो गई, देन बुधा बलंगा हो गई, ये सभी जो रिवर्स हैं इसके चलते भी फ्लैश फ्लड्स आते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मेंटेनेंस में प्रॉब्लम रहेगी, रिलीफ शेल्टर्स में प्रॉब्लम रहती है, सरकार तैयार नहीं होती है, अथॉरिटीज़ तैयार नहीं रहती हैं टाइमली, यू नो, कोई भी अगर उन्हें सल्यूशन लाना हो तो उसके लिए, ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट ओडिशा फ्लड हैजार्ड एटलस. इसके अलावा अभी रिसेंटली सेंट्रली कंट्रोल्ड एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया है. जो सेंट्रली कंट्रोल्ड एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है, दिस इज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इस पर काम कर रही थी काफ़ी टाइम से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है. अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये सिस्टम कंट्री के जो मेजर मेजर एयरपोर्ट्स हैं सब जगह. देखिए स्पेशली ऐसे कुछ एयरपोर्ट्स होते हैं जहाँ पर, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, या मुंबई एयरपोर्ट हो गया, या बैंगलोर एयरपोर्ट हो गया, यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चलती हैं, तो उस हिसाब से आप देखोगे कि यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप लैंड करते हो या आप टेक ऑफ़ करने में टाइम लगता है, ठीक है. आप बैठ तो जाते हो, आपका टेक ऑफ़ का टाइम होता है मान लीजिए 4 बजे की आपकी फ़्लाइट है, 4:10 की, तो करते 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 यू नो 5 बज जाते हैं, या करते करते 4:45 हो जाते हैं तब आपकी फ़्लाइट चलती है समटाइम्स. तो ये हमें चीज़ देखने को मिलती है. सो व्हाट वी सी इज कि ऐसे डिले जो हो जाते हैं उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करें. ऐसे डिले क्यों होते हैं? क्योंकि ट्रैफिक डेंसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है. तो जो ट्रैवल टाइम होता है, जो भी लोग एक जगह से दूसरे जगह में जाते हैं, आपको 1 घंटा पहले तो एयरपोर्ट जाना पड़ता है, कम से कम भी 2 घंटे पहले, फिर आप पूरा प्रोसेस से निकलते हो, उसके बाद फिर यू नो प्लेन में बैठते हो, फिर वो टाइम लग जाता है, डिले हो जाता है. तो इसको कम करने के लिए सेंट्रली कंट्रोल्ड एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहा था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इस नए सिस्टम में क्या होगा कि ये डेटा को इंटीग्रेट करेगा, सभी एयरलाइंस, सभी एयरपोर्ट्स के एयर ट्रैफिक एजेंसीज को साथ में लेकर के आएगा, एंड इट विल इन्फॉर्म द एयरलाइंस अबाउट द टाइम प्लेन्स विल बी पार्क्ड एट द डेस्टिनेशन एयरपोर्ट, ठीक है. डिपार्चर से पहले ही ये सारे उनको बता देगा, ठीक है, इंटीग्रेट करके पूरा रखेगा. तो ये सिस्टम से एटलीस्ट कैपेसिटी अच्छे से बैलेंस हो पाएगी
क्योंकि आने वाले टाइम में देखिए वैसे भी जो डिमांड है एयर ट्रैवल की वो बढ़ने वाली है धीरे धीरे। हमारे इंडिया में जैसे पहले बहुत गरीब हुआ करती थी तो एयर ट्रैवल इतना नहीं करते थे लोग, बसेस या ट्रेन्स के थ्रू जाते थे। आजकल एयर ट्रैवल ज़्यादा हो गया है, जैसे बैंगलोर में कितने लोग काम करते हैं नॉर्थ इंडिया से, सो दे गो बाय दिस एयर ओनली। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी सी। तो यहाँ पर अभी लेकिन चीज़ें ऐसी हो रखी हैं कि एयरपोर्ट हो, एयर स्पेस हो, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड हर कोई, जो इंडियन एयरपोर्ट में कैपेसिटी के कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, इसी वजह से डिलेज ऐसे होते हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होता है तब तक आगे नहीं बढ़ता है मामला। तो ये काफ़ी लेट भी हो सकता है, मान लीजिए किसी को अगली फ्लाइट पकड़नी है, लेट्स से दैट बैंगलोर से दिल्ली से कोई बैंगलोर का पर्सन है और उसको लेट्स से यूरोप की कोई फ़्लाइट पकड़नी थी या US की कोई फ़्लाइट पकड़नी थी, ठीक है, तो उस इंसान को पहले दिल्ली जाना होगा। अब यहीं पे लेट हो गया है उसकी फ़्लाइट में और जो USA की फ़्लाइट उसके लिए चलेगी उसमें मान लीजिए एक ही घंटे का डिफरेंस था, तो यहीं पे एक घंटा डिले हो गया। तो ये जब फ़्लाइट पहुँचेगी उसके बाद इतने में तो US की फ़्लाइट चल पड़ेगी। तो यहाँ पर ये इसको अच्छे से मैनेज करने के लिए इस पर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट इज़, अब ऐसा डिवाइस की बात की जा रही है टू ट्रैप ओशन प्लास्टिक, इसको रीलॉन्च किया गया है इस डिवाइस को। बेसिकली ये एक फ्लोटिंग डिवाइस होगा, ये इस तरीके से बनाया गया है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है जो तैर रहा है हमारे ओशंस में उसको सेकेंड टाइम रीडिप्लॉय किया जा रहा है ताकि ये प्लास्टिक यहाँ से जो भी कूड़ा है ये सब उसको क्लीन किया जा सके ओशन को, ठीक है। सो दिस इज़ टू क्लीन अप एन आइलैंड ऑफ ट्रैश विच वॉज जो ट्रैश था पैसिफिक ओशन के पास में, कैलिफोर्निया और हवाई के बीच में जो आइलैंड है वहाँ पर बहुत सारा कूड़ा था जो ऐसे तैर रहा था। तो ये हमारा जो अभी डिवाइस लाया गया है इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओशन क्लीन अप प्रोजेक्ट, ये ओशन क्लीन अप प्रोजेक्ट का पार्ट है। ओशन क्लीन अप प्रोजेक्ट याद रखना है आपको, ओशन का जो करंट होता है ना, देखिए ओशन करंट भी होता है, हमने देखा था कि वार्म करंट भी होता है। अगर आप पढ़ाई करोगे ज्योग्राफी में आप देखोगे कि वार्म करंट एंड कोल्ड करंट होता है, तो ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से, कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से भी ओशन का जो पानी होता है स्टिल नहीं रहता, ऐसे चलता रहता है, ठीक है, एक वेव ऐसे एनर्जी ट्रांसफ़र होता रहता है। सो ओशन करंट्स जो होते हैं ये एक जगह पे, कुछ ऐसे वर्ल्ड में 5 एरियाज़ हैं जहाँ पर उन एरियाज़ में प्लास्टिक को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जैसे इन एरियाज़ को हम बोलते हैं ओशन गार्बेज पैचेस। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे 5 एरियाज़ हैं, पूरे वर्ल्ड का जो कूड़ा है वहीं पे जाकर के एक जगह इकट्ठा हो जाता है धीरे 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 करके, दिस इज़ व्हाट वी सी। तो ओशन क्लीनअप प्रोजेक्ट एक, ये ओशन क्लीनअप प्रोजेक्ट की जो बात की जा रही है दिस इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ में डेवलप किया गया है ताकि पूरे वर्ल्ड का जो प्लास्टिक है, ठीक है, वो यहाँ पर बेसिकली रिमूव किया जा सके ओशन से। तो ये सब ट्रॉपिकल गायर, सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में यहाँ पर मिलता है जिसको हम ओशन गार्बेज पैचेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट आरोग्य पाचा। आरोग्य पाचा साइंटिस्ट जो हैं केरला यूनिवर्सिटी के, इन्होंने डिकोड किया है आरोग्य पाचा। दिस इज़ आरोग्य पाचा, एक टाइप का पौधा होता है, ठीक है, इस क्या क्या जेन ये ना काफ़ी मतलब मिरेकल प्लांट बोला जाता है, इसकी काफ़ी औषधि बनाई जाती है, ठीक है। और जो ट्राइबल एरियाज़ में बेसिकली यहाँ पर एक ट्राइब रहती है, ट्राइबल कम्युनिटी है केरला की, ये रहती है अगस्त्या हिल्स में, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है कानी ट्राइबल कम्युनिटी, ये इसको ट्रेडिशनली यूज़ करती है। मान लीजिए आपको फटीग है, बहुत थके हुए हो, एग्जॉस्टेड हो, तो ये प्लांट यूज़ किया जाता है उसमें, ठीक है। अब इसमें क्या इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स थे, उसका जेनेटिक मेकअप अभी तक नहीं हो पाया था, तो अब फाइनली इन्होंने डिकोड कर लिया है इसका जेनेटिक मेकअप और ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट मेडिसिनल प्लांट है जो कि सिर्फ अगस्त्या हिल्स में पाया जाता है। इट इज़ एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब होता है कि सिर्फ इसी एरिया में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता, तो इसको मिरेकल प्लांट भी बोलते हैं। तो स्टडी से ये पता चला है कि इसमें बहुत सारी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इस प्लांट के जेनेटिक मेकअप में अगर पता चला है कि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स हैं इसमें, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, एंटी ट्यूमर, एंटी अल्सर, एंटी हाइपरलिपिडेमिक,
then you know, heptoprotective, and this is anti diabetic also. Yani agar kisi ko diabetes hai to aisa insaan isko you know, that person can basically consume that, and uski jo diabetes hai usme usko kafi rahat milegi. So this is anti diabetic also. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे. सऊदी अरेबिया ने अपनी रिसेंटली रेजिडेंसी स्कीम लॉन्च की है ताकि अपना रेवेन्यू बूस्ट कर सके. अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों लॉन्च की है, वो देखने की कोशिश अभी हम करेंगे. ठीक है, तो एक तो ये चीज़ याद रखिए, एंटी डायबिटिक डायबिटिक. ठीक है, दिस इज़ एंटी डायबिटिक, एंटी ट्यूमर, एंटी अल्सर है ये. आगे देखते हैं, सऊदी अरेबिया ने जो लॉन्च की है अभी रिसेंटली रेजिडेंसी स्कीम रेवेन्यू करने के लिए. ठीक है, सऊदी अरेबिया के ज़्यादातर आप देखोगे जो सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है वो ऑयल पे डिपेंडेंट थी, क्योंकि ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है. सऊदी अरेबिया में एनर्जी सिक्योरिटी वाइज इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सऊदी अरेबिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, सऊदी अरेबिया की लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा आइडिया आपको लोकेशन से रिलेटेड भी होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ पर है. मिडल ईस्ट में लोकेटेड है, मिडल ईस्ट में, एंड बेसिकली अरेबियन पेनिनसुला में हमको सऊदी अरेबिया की लोकेशन मिलती है, अरेबियन पेनिनसुला में. तो अरेबियन पेनिनसुला में, ठीक है, सऊदी अरेबिया वहाँ पर सबसे लार्जेस्ट कंट्री है. एरिया वाइज आप देखोगे, इकोनॉमी वाइज भी देखोगे, कतर है, देन देर आर अदर यू नो अदर कंट्रीज आल्सो. लेकिन सऊदी अरेबिया भी मेनली जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है. तो सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली जो रेजिडेंसी स्कीम लॉन्च की है ये इसके चलते है, क्योंकि देखिए अब तो शेल गैस डिस्कवरी हुई है. जब से शेल गैस डिस्कवरी हुई है तब से ऑयल का प्राइस बहुत घट गया है. राइट, ऑयल का प्राइस बहुत घट गया है, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कि सऊदी अरेबिया ने अपना रेवेन्यू के सोर्सेस को दूसरा मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि एक टाइम होगा जब जहाँ पर ऑयल बेसिकली यू नो पूरा हो जाएगा हमारा ख़त्म. ठीक है, ऑयल के ऊपर ज़्यादा वेस्ट नहीं रहेगा. वैसे भी 2030 तक इंडिया भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्विच करने वाला है. अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ चुकी हैं, आपको पता होगा किया सेल्टॉस. ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक्स की शुरुआत हो चुकी है, हल्की फुल्की इलेक्ट्रिक्स भी आ चुकी हैं, फुल फ्लेजेड इलेक्ट्रिक्स भी आ चुकी हैं. ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी सी. तो सऊदी अरेबिया ने लॉन्च की है अपनी रिसेंट रेजिडेंसी स्कीम रेवेन्यू बूस्ट करने के लिए, उस हिसाब से ताकि दूसरे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर से सऊदी अरेबिया अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाए उसके लिए. दिस इज़ व्हाट वी सी. ठीक है, देन फर्दर फिर हम देखते हैं. वेट अ मिनट, दो मिनट दीजिए. ओके, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, फिर आगे हम देख रहे थे कि सऊदी अरेबिया ने जो रेजिडेंसी स्कीम लॉन्च की है ताकि दूसरे एवेन्यू से भी पैसे कमाए जा सके. ठीक है, तो ये रेजिडेंसी स्कीम है, इसके चलते सऊदी अरेबिया को बहुत फ़ायदा होगा. तो सऊदी अरेबिया ने ये स्कीम के अंडर में एक परमानेंट रेजिडेंसी की ऑफ़र की है कि आप सऊदी अरेबिया के डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, अब इन्वेस्ट करते हैं 8 लाख रियाल्स में, यानी ऑलमोस्ट 2,13,000 डॉलर्स आपका यहाँ पर रहेगा. और अगर मान लीजिए आपको परमानेंट नहीं बनना है, एक ईयर के लिए सऊदी अरेबिया में यहाँ पर रहना है आपको, तो 27,000 डॉलर्स बस लगेंगे इसमें.
$27,000, ठीक है, और इससे आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी एक साल की. हर साल आप इसको रिन्यू कर सकते हैं इफ़ यू वांट दैट वे. ठीक है, तो ऑनलाइन पोर्टल इन्होंने अपना स्टार्ट किया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई हैं. जो लोग परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहते हैं सऊदी अरेबिया का, दे कैन डू दैट. इस स्कीम से स्पेशली उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी जिनका बिजनेसेस यहाँ पर चल रहे हैं. ठीक है, आपको जैसे अपना बिजनेस चलाना है तो उसके लिए सऊदी अरेबिया के साथ में बिजनेस रखना है आपको, तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, स्पॉन्सर ढूंढते हैं. जैसे सपोज आपको कोई बिजनेस चलाना है, ठीक है, यूएसए से, तो आप स्पॉन्सर ढूंढते हो, यूएसए का कोई रेजिडेंट ढूंढते हो, फिर आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते हो. ठीक है, आधा उनका शेयर होता है, आपका होता है. लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आप डायरेक्टली स्पॉन्सर ढूंढने के बजाय खुद यहाँ पर प्रॉपर्टी भी बाय कर पाओगे, और आप अपना, आपको तो मिल ही जाएगा रेजिडेंसी, और आप वीज़ा भी स्पॉन्सर कर पाओगे अपने रिलेटिव्स का जो सऊदी अरेबिया में आना चाहते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है रेवेन्यू जनरेट करने का इस तरीके से, क्योंकि अब वैसे भी इसमें तो कम ही होने वाला है हमारा ऑयल में इनका, ठीक है, जो स्कोप रहेगा आने वाले टाइम में धीरे धीरे कम होता चला जाएगा. फर्दर आगे देखते हैं कि नेपाली नेशनल को, अब ये न्यूज़ में आया था 2019 में कि दे विल नाउ रिक्वायर वीज़ा टू एंटर इंडिया वाया पाकिस्तान. देखिए, हमारे तीन कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में ओपन बॉर्डर है. हमारा इंडिया का तीन कंट्रीज़ हैं जिसके साथ में ओपन बॉर्डर है. पहले है नेपाल, फिर है भूटान, और फिर है म्यांमार. ये तीन कंट्रीज़ हैं. तो नेपाल वाले अगर डायरेक्टली इंडिया में आना चाहते हैं तो उनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ऐसे इंडिया वाले अगर नेपाल में जाना चाहते हैं, वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है, वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन मान लीजिए ये नेपाल वाले पहले पाकिस्तान जाते हैं, और फिर पाकिस्तान से इंडिया में अगर एंटर करते हैं और बोलते हैं कि हम तो नेपाल के रेजिडेंट हैं, हमको एंट्री अलाउ करो, तो ये चीज़ नोटिफाई की गई है कि ऐसे में इनको एंट्री तभी अलाउ की जाएगी जब ये वीज़ा लेकर के आएंगे यहाँ पे. यहाँ से देखिए डायरेक्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन अगर आपको पाकिस्तान से जा करके फिर आना है इंडिया में एंटर करना है, तो उसके लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी. ये चीज़ इसमें बोली गई. सो नेपाली नेशनल्स के पास में अब इंडियन वीज़ा होना चाहिए अगर वो इंडिया में आ रहे हैं पाकिस्तान से या चाइना से या हांगकांग से या मकाऊ से. डायरेक्टली यहाँ से अगर आएंगे, यहाँ से इंडिया में एंटर करेंगे, तो इनके पास में इंडियन वीज़ा पहले से होना चाहिए, तभी इनको अलाउ किया जाएगा. ये नोटिस जारी किया है नेपाली एम्बेसी ने, इंडिया में, अभी न्यू दिल्ली में. और सिमिलरली हम देखते हैं कि जो नेपाली नेशनल्स हैं अगर वो गल्फ़ कंट्रीज़ ट्रैवल करते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया जाते हैं, कतर जाते हैं, कुवैत जाते हैं, ओमान जाते हैं, बहरान जाते हैं, लेबनन जाते हैं, इन कंट्रीज़ में, तो इनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी. लेकिन अगर इनको इंडिया में आना है तो इनको NOC लेकर के आना पड़ेगा. NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये लेकर के आना पड़ेगा. तो ये न्यूज़ में था. दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप. वैसे भी टेररिज्म के चलते, रेडिकलाइजेशन के चलते, ये सभी स्टेप्स बहुत असेंशियल हैं आज के टाइम पे लेने चाहिए. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ दिस ल्यूनार इवैक्यूएशन सिस्टम. ल्यूनार इवैक्यूएशन सिस्टम देखने को मिला है अभी हमें. ठीक है, ये न्यूज़ में था. ल्यूनार इवैक्यूएशन सिस्टम, देखिए नासा प्रिपेयर कर रहा है 2024 के मून मिशन के लिए. ठीक है, उसका मून मिशन के लिए वन हैज़ बिन टू टेस्ट अ डिवाइस. ये मून मिशन में ये डिवाइस टेस्ट किया जाएगा, ल्यूनार इवैक्यूएशन सिस्टम विच इज़ नोन एज लीज़ा. तो लीज़ा वैसे बनाया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने. ठीक है, लीज़ा एक टाइप का पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका पर्पस होता है, मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, उसको कोई इंजरी हुई है, यहाँ पर कुछ भी मतलब इंजरी हो गई स्पेस में, तो इनको पकड़ के लाना इसे थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है. तो इसके चलते रेस्क्यू किया जाएगा ऐसे इंजर्ड एस्ट्रोनॉट को ल्यूनार सरफेस पे, मतलब मून पे. मून पे कोई इंजरी होती है अगर, तो इसमें ऑपरेट कैसे करता है, इसमें हमें दो एस्ट्रोनॉट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ एक अकेला एस्ट्रोनॉट. मान लीजिए कोई इंजर्ड है, उसके साथ वाला जो कोई भी है, एक एस्ट्रोनॉट इसको डायरेक्टली हेल्प कर सकता है. ठीक है, तो जैसे हम नॉर्मल क्या करते हैं, कोई इंजर्ड है तो उसको स्ट्रेचर पे लेटाते हैं और स्ट्रेचर पे लिटा करके उसको लेके जाते हैं, राइट. इसमें ऐसा नहीं होगा. लीज़ा में क्या होगा, एक सिंगल एस्ट्रोनॉट इसको ऑपरेट करेगा, जो भी मान लीजिए गिर गया है, जिसको इंजरी हो गई है, ठीक है, उस कलीग को हेल्प करेगा, उसके रेस्क्यू में हेल्प करेगा. इससे होगा क्या, इटन होगा, उसके अंदर लेके जाएगा और फिर वहाँ पर ट्रीटमेंट उसका किया जाएगा वहाँ पर अगर कोई इंजरी होती है. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन है उस हिसाब से.
उसके आगे हम देखते हैं न्यूज़ में कि वैष्णो देवी जो टेम्पल है, वैष्णो देवी श्राइन है, इसने रिसेंटली अपना जून में खुद का डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स अनाउंस किया है. तो माता वैष्णो देवी श्राइन जम्मू एंड कश्मीर में है एंड दैट्स अ यूनियन टेरिटरी नाउ, एंड इसमें एक डेडिकेटेड इन हाउस डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बनाई जाएगी अगले साल तक. एंड हम देखते हैं कि ये जो श्राइन है ये बेसिकली तिराकुटा हिल्स पे लोकेटेड है. तो त्रिकुटा हिल्स याद रखना है आपको, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, जम्मू की रीसी डिस्ट्रिक्ट में आती है. और यहाँ पर जो श्राइन बोट है और जो NDRF है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड, यहाँ पर फोर्स होगी. इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था इस साल, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता है तो कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि लाखों श्रद्धालु यहाँ पर हर साल आते हैं, ठीक है, अपना करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर जाते हैं पूजा वूजा करने, दिस इज़ व्हाट वी सी. तो उसके लिए ये चीज़ लाई गई है. नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 125 साल पूरे किए हैं अपने, तो उस हिसाब से इसका न्यूज़ में था कि अब एक नया हेडक्वार्टर इसका बनाया जाएगा, उसके लिए $145 मिलियन लगाए गए हैं. और ये नया हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में होगा. तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ओपन की गई थी आज से एग्जैक्टली इस डेट से 125 साल पहले जून में ओपन की गई थी. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है एक बेटर वर्ल्ड बनाना स्पोर्ट्स के थ्रू. एंड इसमें हम देखेंगे कि ये बनाई गई थी 23 जून को, इंटरनेशनल कमेटी 1984 में, तो 125 साल इसके पूरे हो चुके हैं, ठीक है. एंड फिर उसके बाद कमेटी बनाने के 2 साल बाद ही ओलंपिक गेम्स पहले स्टार्ट हुए थे, 1896 में हुए थे. एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है दैट इट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट. इट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी. वेट अ मिनट. नेक्स्ट, फंक्शंस क्या हैं इसके. एज अ लीडर ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक लीडर की तरह काम करती है, कैटलिस्ट की तरह काम करती है. सारी जो पार्टीज होती हैं, जितने भी कंट्रीज होती हैं ओलंपिक फैमिली की, कोलैबोरेट करती है उनके बीच में, ठीक है, एथलीट्स आपस में करते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पर इंगेजमेंट होता है सभी कंट्रीज़ का, इस तरीके से. देन वी सी देर वॉज दिस नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, इसके बारे में न्यूज़ में आया था. ये बेसिकली एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको बता सकता है कि कहाँ पर वेजिटेशन है, ठीक है, हाउ मच ऑफ द ग्राउंड इज कवर्ड विद वेजिटेशन, कहाँ कहाँ पर फॉरेस्ट हैं, कहाँ कहाँ पर वेजिटेशन है. तो ये बेसिकली कैलकुलेट करता है रेड के बीच में एंड जो नियर इंफ्रा रेड कंपोनेंट होता है लाइट का, जो भी ऑब्जेक्ट्स पे पड़ता है, ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू देखता है. तो सैटेलाइट के थ्रू हम पता लगाते हैं, जैसे हम सुनते हैं ना कि सैटेलाइट के अकॉर्डिंगली हमको पता चल जाता है कि कितना फॉरेस्ट कवर है इंडिया का, उस हिसाब से. देखिए, एक हेल्दी वेजिटेशन जो होती है स्ट्रांगली रेड कलर को अब्जॉर्ब करती है, ठीक है, एंड रिफ्लेक्ट करती है इंफ्रा रेड लाइट को. तो ये जो डिफरेंस है इस इंडिकेशन से पता चलता है हमको कि यहाँ पर एक हेल्दी वेजिटेशन है और उसको कलर कोड में मैप किया जाता है. तो अगर हेल्दी वेजिटेशन है, इस टाइप से रहती है, उसमें 8% रेड रहता है, इतना होता है, और एक स्ट्रेस्ड वेजिटेशन है तो वहाँ पर 30% रेड रहता है. न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि रिसेंट रिसर्चर्स ने रिसेंटली ये पाया है कि ये जो इस तरीके से ना ये क्यों किया जाता है, ऐसे वेजिटेशन इंडेक्स क्यों निकाला जाता है, ताकि एलिफेंट्स के लिए अबंडेंस में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में फूड अवेलेबल है कि नहीं, उसका अकाउंट, रिलायबल अकाउंट को जानने के लिए. इनफैक्ट रिसर्चर्स ने यह बताया है कि इस इंडेक्स का एक नेगेटिव कोरिलेशन होता है ग्रासी फ्रूट से, ठीक है, एंड इसकी यूटिलिटी बस वही होती है कि फूड अबंडेंस जानने में, कि कहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, जहाँ पर एलिफेंट्स ज़्यादा पाए जा सकते हैं, उनको ट्रैक किया जा सकता है कि यहाँ पर ज़्यादातर एलिफेंट्स रहते हैं बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया रहेगा, उसमें वहाँ पर वो कंज्यूम करेंगे ज़्यादातर वही गुड्स, उसको पता लगाने के लिए, ठीक है. एंड देन कम्स दिस फॉल आर्मी वॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉल आर्मी वॉर्म, फॉ भी बोलते हैं इसको, एक टाइप का ऐसा वॉर्म होता है, ठीक है, जो अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था.
ये शुरुआत हुआ था 2016 से बेसिकली, पहले वहाँ अफ्रीका में ये डिटेक्ट किया गया था। और इस वॉर्म की जो खासियत ये है कि ये माइग्रेट कर सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे, 100 किलोमीटर पर नाइट माइग्रेट कर सकता है विंड के साथ में, ठीक है। और ये एक टाइप का ऐसा मौत होता है जिसमें हम देखेंगे कि ये बहुत सारी क्रॉप्स को डैमेज कर देता है, जैसे राइस हो गई, मकई हो गई, ठीक है, कैबेज हो गई, इसमें पाया जाता है ये वॉर्म, ठीक है। तो उस हिसाब से इंडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है, लास्ट ईयर ये रिपोर्ट किया गया था इंडिया में, इससे जो कर्नाटका की बहुत सारी क्रॉप्स थी उसको बहुत इफ़ेक्ट हुआ था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस वॉर्म के बारे में आया था, ठीक है, न्यूज़ में। बाकी का हम करंट अफेयर्स आगे कवर करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाकी कल हमारी यूट्यूब सेशंस होंगी, फर्दर उसमें डिस्कस करेंगे। दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच।